विदिशा जिले में स्थित श्री हरि वृद्धाश्रम में निवास करने वाली 85 वर्षीय श्रीमती काशीबाई दांगी का आज पूर्ण मान सम्मान के साथ राजीव गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में देहदान किया गया, जहां महाविद्यालय सहित आश्रम स्टाफ ने उन्हें अंतिम विदाई दी। श्री हरि वृद्ध आश्रम श्रीमती काशीबाई दांगी के लिए उस समय वरदान बन गया था जब वह अपने परिवार के सभी रिश्तेदारों की उपेक्षा के कारण जानवरों की सार में सोती रही और अपने गाँव हत्या खेड़ी में बर्तन मांझकर अपना जीवन व्यतीत करती रही। श्रीमती काशीबाई मुल्ता निवासी हरजा खेड़ी थाना गुलाबगंज की है। पति की मृत्यु के बाद वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ भांजा दामाद के यहाँ चली आई, परंतु परिवार के लोग उन्हें बोझ समझते थे। परिजनों के अमानवीय व्यवहार के कारण वह गाँव के सरपंच दशरथ सिंह दांगी के यहाँ रहने लगी तथा उन्हीं की देहलान और पशुओं की सार में सोती थी। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। झुमके नैया चार दमन रहे। क्या चार दमन रहे? झुमके नैया के नाम जी क्या? क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर भगवती प्रसाद शर्मा, प्राचार्य राजीव गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल जी। हमारे यहाँ पर BMS फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी सब्जेक्ट में कैडेवर का जो नॉलेज है बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जो बच्चे जो आगे से कुछ भी ज्ञान तो वो नहीं कर पाते हैं। तो हम 4-5 साल से इसमें प्रयास रखते हैं, इन दो में कैडेवर नहीं मिल रहा था और जो है हमने समाचार पत्रों में जो है हरि वृद्धाश्रम विदिशा का नाम हमें मिला, तो वहाँ पर उसकी संचालक वहाँ पर वित्तवादी शर्मा से बात हुई और इस तरह से उस संदर्भ में हम वहाँ पर गए, भाई साहब से बातचीत की हमने वहाँ पर और उसके संदर्भ में भाई साहब से बात करेगी, जैसा भी कुछ होता है तो हम आपको बताएंगे। तो आज भाई साहब से बात हुई कि आज किसी कम श्रीमती कमलाबाई की मृत्यु हो गई है, तो बोले इसके लेकर हम आ रहे हैं। तो भाई साहब ने आज हमारे राजीव गांधी महाविद्यालय को एक हमारी सहायता की और इससे बच्चों को बहुत चिकित्सा में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए श्री हरि वृद्धाश्रम विदिशा को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर। वेद प्रकाश शर्मा, संचालक श्री हरि वृद्धाश्रम विदिशा। आज वृद्धाश्रम में 85 वर्षीय श्रीमती काशीबाई का स्वादेहांत हुआ और वो काफ़ी दिनों से बीमार थीं, तो उनकी इच्छा थी कि उनका शरीर चिकित्सा जगत की शिक्षा के काम आए और मरणोपरांत उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए हम लोगों ने आज भोपाल के राजीव गांधी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में उनका देहदान किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।